गुरु ऐसा दे दो ज्ञान मुझे, हाँ ध्यान चरण में लाया है। वो गुरु मेरे मन को भावे, भोग में जो योग को दिखावे। गुरु ऐसा दे दो ज्ञान मुझे, हाँ ध्यान चरण में तुम डरते बहुत हो। क्यों डरते हो बेटा? जब मैं हूं तुम्हारे साथ तो फिर क्यों डरते हो? तुम्हें लगता है ठीक से अभी मुझे पहचान नहीं पाए हैं। बिल्कुल खुले दिल से रहो, नॉर्मल रहो। कुछ भी खाओ, कुछ भी पियो, कहीं भी जाओ, कुछ भी पहनो, मौज लो, मस्ती लो, ठीक है? बिल्कुल आराम से रहो। कोई भी परहेज नहीं है, ना खाने का, ना पीने का, ना जाने का, ना पहनने का। जो तुम्हारा मन करे वो करो, लेकिन जो जाप दिए है ना वो करते रहो खाली, और गुरु में अपनी निष्ठा रखो। तुम्हारा काम हो गया है, लेकिन तुम्हें अभी महसूस नहीं हो रहा है कि हो गया है। सबको पता है कि परमात्मा भीतर है, लेकिन उससे कोई फर्क पड़ता है? नहीं पड़ता, क्योंकि जब तक स्वयं न जान लोगे कि परमात्मा भीतर ही बैठा है, तब तक आपको अनुभव थोड़ा ना होगा। इसलिए धीरे धीरे साधना को आगे बढ़ाते रहो, और शादी कर लो फटाफट, जितना जल्दी हो उसके शादी कर लो। क्योंकि शिव के साथ काली होती है तभी वह शिव है, नहीं तो उनकी ई की मात्रा यानी कि शक्ति को हटा लो तो सब रह जाते हैं। तुम सब बन के जिए हो, अभी शक्ति की आवश्यकता है, इसलिए शादी कर लो फटाफट। नहीं गुरु जी, डरता नहीं। जैसे आपका हाथ है तो कभी डर ही नहीं लगता। मतलब जब से आपसे मिला तब से मतलब ये वहम ही खत्म हो गया। मतलब धीरे 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 सब कुछ ठीक ही होने लगा। मतलब एक अचानक से कभी मतलब एक नॉर्मल इंसान कभी सोच भी नहीं सकता कि मतलब इतना मतलब तंत्र की दुनिया मतलब इतने लंबे समय से जो झेल रहे 1-1.5 साल से मतलब 1-1.5 महीने के अंदर ही मतलब बहुत लगभग उसकी दुनिया ही बदल जाना। तो ये तो है कि गुरु जी जब से आपकी कृपा है तब से मतलब डर नहीं लगता। मतलब ये है कि अचानक से कुछ हलचल ऐसे हुआ तो इसलिए मैंने कहा कि आपको बताते हैं। बेटा तुम बहुत आगे जाओगे, ठीक है? क्योंकि तुम्हारे ये किस्से है ना, ये सबसे अलग है, यूनिक है। इतना डरना कुंडली के लिए, पता है यूट्यूब पे लाखों लोग डेली सर्च करते हैं कि अपनी कुंडली कैसे जागृत करें, और आपकी जागृत हो चुकी है, आप वैसे उछल रहे हैं। कभी भी मुझे लगता है आपको कोई ठीक से व्यक्ति मिला नहीं है जो आपको पाखंड से, अंधविश्वास से, मूर्खता से दूर करके स्पष्ट चीजों को दिखा दे। देख बेटा, गुरु जो होता है, सच्चा गुरु वो होता है जो आपको भोग में योग को दिखाता है। और आपको कौन मिले हैं? जो योग के लिए भोग को छोड़ने की बोलते हैं। अब ये खाना छोड़ो, अब ये पहनना छोड़ो, अब ये पीना छोड़ो, अब ये जाना छोड़ो, ये करना छोड़ो, वो करना छोड़ो, वो होते हैं योग के लिए भोग को छोड़ने वाले। लेकिन सच्चा गुरु होता है भोग से योग को दिखाने वाला। भोग में ही योग है, खाली आप चश्मा हटा लेंगे अपने दृष्टि से तो योग में आपको भोग दिखाई देगा। चलो जैसा भी है, आपकी ये कहानियां, ये छोटी छोटी शॉर्ट स्टोरियां मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, क्योंकि इनसे अनेक लोगों को लाभ मिलेगा। इसमें आपका नाम, आपका पता कुछ भी शो नहीं किया जाएगा। गुरु जी मैं तो धन्य हो गया जैसे जब से आप मिले, क्योंकि आपने लगभग लोगों को हर चीजें क्लियर कर दी। मतलब भक्ति बहुत सरल है, मतलब बहुत ये तामझाम करने की दिक्कत नहीं है, और मेरा कॉन्फिडेंस मतलब बहुत हाई हो गया कि मतलब बहुत आसान है। जैसे और बहुत से लोग दिखाते हैं ये वो, मतलब ये मत करो वो मत करो, जैसे मतलब आपने ये तंत्र की दुनिया को लगभग लगभग बहुत क्लियर कर दिया। मतलब एकदम स्पष्ट रूप से समझा दिया कि क्या कैसे होता है। गुरु जी जय गुरु को, आदेश गुरु गोरखनाथ, आदेश।